हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मायसेल्फ साहिल। आज हम अपना जो लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ लिया था। हम अबनॉर्मल मॉलिकुलर मास के अंदर सब टॉपिक पढ़ रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड वेंट ऑफ फैक्टर आई। इनके बीच में क्या रिलेशन होगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे और हम न्यूमेरिकल जो हैं फिर इसके सॉल्व करेंगे। अब देखो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब होगा? ये इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने मोल एसोसिएट हो रहे हैं अपॉन हमने कितने मोल जो हैं वो इसके लिए थे। हमने कल वेंटो फैक्टर आई लिखा था। और ये इक्वल आता था नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद कितने नंबर ऑफ मोल हैं अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। इनिशियली नंबर ऑफ मोल जो हैं वो कितने लिए थे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका एक छोटा सा डेरिवेशन बनाते हैं। मैं आपको पहले एक इक्वेशन बना रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि n नंबर ऑफ ए कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना के दे रहे हैं an, ठीक है। मैं साथ के साथ इसका एग्जांपल लिख देता हूँ आपको। एग्जांपल मैं ये लेके चल रहा हूँ, कल हमने पढ़ा था कि दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, डायमर, दैट इज CH3COOH की ट्वाइस डायमर फॉर्मेशन। मतलब दो जुड़ के एक बना रहे हैं। अब इस केस के अंदर n की वैल्यू कितनी आएगी, 2। भाई दो जुड़ रहे होंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 1। अब देखो इसके बाद लेट हम ये लेके चल रहे हैं। अब देखो हम इसका वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेट मैं इसका एक मोल लेके चल रहा हूँ इनिशियली, इसके 0 होंगे एट इक्विलिब्रियम। वैसे आपको स्टैंडर्ड केस ऐसे बनाना, हमेशा सी मोल लेके चल रहे हैं तो इसकी इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी बचती है, सी माइनस सी अल्फा, ठीक है। ऐसे ही लिखना है हमेशा। अब आप देखो, अब यहाँ पे आ जाओ साइड में। अगर मैंने इसका एक मोल लिया, ठीक है, एक मोल मैंने एसिटिक एसिड लिया, तो हमारे पास ये कितने बनेंगे डायमर जो बनेगा, उसके बनेंगे हमारे पास 1/2 मोल। क्योंकि देखो ये तो स्टिचियोमीट्री है, ये जो आगे नंबर है ना 2, 1, इसी से पता लगता है कि इसके दो मोल से इसका क्या बनेगा, एक मोल बनेगा, ये यहीं से ही पता लग रहा है। तो भाई अब अगर हमने रिड्यूस, क्या हो रहा है, जो मोल रिड्यूस हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बाय एन। अगर ऐसे ही यहाँ पे इसके 3 मोल होते तो इसके कितने बनने थे, 1.5। तो अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो जो डायमर बन रहा है या जो भी हमारे पास एक कंपाउंड बन रहा है जुड़ के, कंसंट्रेशन कितनी आएगी, जितनी इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसकी कंसंट्रेशन कितनी डिक्रीज हो रही है, सी अल्फा, इसका कितना बनेगा, सी अल्फा बाय एन, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम,
इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाय एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम कितने आ रहे होंगे, C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाय एन। अब हम निकालते हैं वेंटो फैक्टर। तो देखो वेंटो फैक्टर निकालने के लिए हमने लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद इक्विलिब्रियम पे मोल ये आ रहे हैं, इनिशियल हमने कितने लिए थे C, तो क्या आ रहा होगा C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा बाय एन डिवाइडेड बाय C। यू कैन टेक C एज कॉमन फ्रॉम द अपर पोर्शन, सो यू विल गेट C इंटू वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन अपॉन C। सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास ये आ रहा है कि जो आई है वेंटो फैक्टर आई जो है वो इक्वल आ रहा है वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसमें से पहले अल्फा कॉमन लेते हैं, तो ये बन जाएगा आई इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, या आप ऐसे करो इस वन को यहाँ ले आके माइनस कर दो, तो I माइनस वन इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। ठीक है, अब LCM लें तो n माइनस अल्फा n प्लस अल्फा, ये क्या आ रहा है I माइनस वन। तो भाई यहाँ से अल्फा कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो अगर आप इसमें से अल्फा कॉमन लेते हो तो क्या आ जाएगा वन माइनस एन अपॉन एन। तो हमारे पास नेट फॉर्मूला क्या बन रहा होगा, नेट फॉर्मूला हमारे पास ये आएगा कि आई माइनस वन अपॉन वन माइनस एन इंटू एन इज इक्वल टू अल्फा। तो भाई अगर आपको आई पता है तो आप अल्फा निकाल सकते हो, एन की वैल्यू आपको पता बताएगा वो डायमर बन रहा है ट्रायमर बन रहा है, ट्रायमर बन रहा है तो एन की वैल्यू तीन होगी। अगर आई निकालना है अल्फा पता है तो यू विल यूज़ दैट फॉर्मूला इन केस ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज टू इक्वेशंस। नाउ अब हमने क्या करना है भाई, अब हमने इस पे से क्वेश्चन सॉल्व करके देखने हैं। ठीक है, हमारी ये जो यूनिट के अंदर डेरिवेशन थे सब पूरे हो चुके हैं, यहाँ तक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब क्वेश्चन जो आते हैं इससे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं स्पेशली यूजिंग दैट कंसेप्ट ऑफ आई, मैं आपको दो चार क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो अब हम पहले लिख रहे हैं कि भाई हमारे पास 0.1 मोलर यूरिया है, 0.1 मोलर हमारे पास यूरिया है, 0.1 मोलर हमारे पास NaCl है, 0.1 मोलर हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है। अब वो हमारे को ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि बताओ इन तीनों में से विच सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। वो कह रहा है बताओ इन तीनों सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा। अब यूरिया मैंने आपको कल भी बताया था, यूरिया टूटता नहीं है कभी भी, ठीक है, डीकम्पोज नहीं होता, डीकम्पोज होता है आयनिक फॉर्म में ब्रेक नहीं करता, आपको ये ध्यान रखना है यूरिया जो है ये डीकम्पोज होता है, मतलब इसको बैक्टीरिया तोड़ता है, ठीक है, लेकिन ये आयन नहीं बनाएगा, विल नॉट फॉर्म आयन। ठीक है, अब तीनों की मोलैरिटी सेम है तो मतलब कंसंट्रेशन तीनों की क्या है सेम है, अगर मोलैरिटी सेम है तो मोलैरिटी भी क्या होगी सेम होगी। मान लो कि हमारे को उसने सेम कंसंट्रेशन पे बता रखे हैं, ये दे ही रखे हैं उसने,
तो भाई हमने क्या निकालना है, वो कह रहा है बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू में मोलैलिटी। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है भाई, हमने निकालना है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इनमें से किस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो डेल्टा टी बी क्या था, टी बी माइनस टी नॉट बी विच इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। तो भाई टी नॉट बी को यहाँ ला के प्लस कर सकते हैं, तो टी बी क्या आएगा, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी प्लस टी नॉट बी। ठीक है, अब आप देखो कि टी नॉट बी जो है ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर कुछ नहीं बता रखा सॉल्वेंट तो हमेशा वाटर मानना है, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री होता है भाई, वाटर 100 डिग्री पे उबलता है, ये सब तीनों के लिए कॉन्स्टेंट हो गया। अब ये टी बी क्या है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू ऑफ आई पे। देखो के बी जो है ये सॉल्वेंट के लिए होता है, तो ये भी कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट है। मोलैलिटी जो है वो सेम है तीनों की, अगर नहीं है तो आप रख के देखोगे। ठीक है, अब देखो जब हम केस वन सॉल्व करते हैं, केस वन यूरिया का है, तो यूरिया के लिए मैंने आपको बताया वो टूटेगा ही नहीं, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, एक आएगी। ठीक है, तो यूरिया का जो टी बी ऑफ यूरिया है वो क्या आ रहा होगा, 1 इंटू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू टी नॉट बी प्लस टी नॉट बी। अब इसके बाद केस टू, केस टू क्या है, NaCl जो है वो वाटर में डालते ही क्या बना देता है, Na प्लस और Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे दो बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने आई निकालना है, अभी हमने आई का फॉर्मूला लिखा था, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ टेकन। अब टूटने के बाद कितने बन रहे हैं, दो, पहले कितने लिए थे, एक, तो इसके लिए आई की वैल्यू कितनी आएगी, टू। तो हम टी बी निकाल लें अगर इसका, तो क्या आ रहा होगा, टू इंटू के बी इंटू मोलैलिटी इंटू प्लस टी नॉट बी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ केस थ्री पे। अब केस थ्री के अंदर वो हम, उसने हमारे को दे रखा है Al2SO4 की थ्राइस, तो भाई ये टूटेगा जब, तो दो एल्यूमिनियम बनेंगे प्लस थ्री, तीन सल्फेट बनेंगे टू नेगेटिव, तो यहाँ पे टोटल आयन कितने हो गए, पाँच, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, पाँच। अब अगर इसका टी बी लिखें तो टी बी इज इक्वल टू 5 इंटू के बी इंटू मोलैलिटी प्लस टी नॉट बी। अब मैंने आपको ये कहा कि अगर सॉल्वेंट नहीं बता रखा तो सॉल्वेंट क्या मानना है, वाटर, तो मतलब टी नॉट बी की वैल्यू तीनों केसों में कितनी आ रही होगी, 100। ठीक है, तीनों की मोलैलिटी या मोलैलिटी क्या आएगी, सेम। देखो 0.1 0.1 0.1, तो ये वैल्यू क्या आ रही होगी, 0.1 आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे भी ये वैल्यू 0.1 आएगी। अब के बी जो है कांस्टेंट है, सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। अब टी बी किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, तो इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, Al2SO4 की थ्राइस। ठीक है, तो टी बी जो है वो डिपेंड करता है इस पे, तो ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमम। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन के केस हैं, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन होंगे, अगर ऐसे नहीं करोगे तो न्यूमेरिकल कभी भी सही नहीं निकलेगा, गलत होगा। ठीक है, अब इससे आपको समझ में क्या आता है कि भाई अगर आप पानी में एल्युमिनियम सल्फेट डाल देते हो तो वो 100 डिग्री पे नहीं उबलेगा, 100 से ज़्यादा पे उबलेगा। ठीक है, तो ये तो था भाई बॉइलिंग पॉइंट का केस। आपको मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई यूज़ करके ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत आएगा। और फिर बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए ये आपको कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, इसके बाद भाई
फिर अगर मान लो कि वो हमारे से ये पूछ ले कि सेम का इसी में, अगर मान लो कि वो हमारे को ये कह दे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा। अब ये तो थी बॉइलिंग पॉइंट की बात, अब हम करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाई वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसका होगा। अब भाई फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हमने बनाया था कि जो डेल्टा टीएफ है, फ्रीजिंग पॉइंट वाले में हमने लिखा था कि डेल्टा टीएफ जो है वो किसके इक्वल आ रहा था, आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। और डेल्टा टीएफ जो है ये इक्वल आ रहा था टी नॉट एफ माइनस टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब इसको यहाँ ले जाके प्लस, ये इधर आके माइनस, तो टी एफ किसके इक्वल आ जाएगा भाई, माइनस आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी प्लस टी नॉट एफ। ठीक है, अब आपको ये पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, प्योर वाटर जो है, प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब तीनों केसों में डेल्टा टीएफ की वैल्यू तो कितनी आएगी, 0 डिग्री सेल्सियस। अब फ्रीजिंग पॉइंट देखो, अगर वो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि डेल्टा टीएफ किसका ज़्यादा होगा, भाई दो चीज़ें पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन में। मान लो कि वो आपको ये कह दे विच ऑफ द फॉलोइंग will have high depression in freezing point, freezing depression in freezing point किसका ज़्यादा होगा, तो depression in freezing point का मतलब है delta TF। तो डेल्टा टी एफ तो आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब के एफ कॉन्स्टेंट, मोलैलिटी तीनों की सेम, क्योंकि डेंसिटी नहीं बता रखी उसने, डेंसिटी एक मान के मोलैलिटी मोलैलिटी का कन्वर्जन करोगे तो यही आएगी। अब डेल्टा टी एफ किस पे डिपेंड करता है, आई पे। जितना ज़्यादा आई होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने अभी आपको बताया इसकी आई की वैल्यू कितनी है 5, इसके आई की वैल्यू कितनी है 2, इसकी आई की वैल्यू कितनी है 1। तो हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, इसका। ठीक है, हाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा Al2SO4 की थ्राइस का। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। हाईएस्ट का मतलब है क्लोज टू जीरो, क्योंकि देखो हमने प्योर वाटर लिया है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, जीरो। तो अब हाईएस्ट बताना है हमने कि तीनों में से बड़ी वैल्यू किसकी आएगी। अब केस वन में तो आई की वैल्यू कितनी है 1, केस टू में आई की वैल्यू कितनी है 2, केस थ्री में आई की वैल्यू कितनी है 5। तो टी एफ इज इक्वल टू माइनस के एफ इंटू मोलैलिटी प्लस टी नॉट एफ। टी एफ इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी प्लस टी नॉट एफ। टी एफ इज इक्वल टू माइनस 5 इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी प्लस टी नॉट एफ। अब आप सोच के देखो कि ये जितनी माइनस की वैल्यू ज़्यादा होगी टी एफ उतना कम होगा। ठीक है, तो अब इस केस के अंदर
हाईएस्ट वैल्यू किसकी आएगी, देखो ये फैक्टर सबसे छोटा है माइनस का, तो ये इसके पास होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो आएगा यूरिया का। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तो होगा किसका, यूरिया का। अब लोएस्ट किसका होगा, क्योंकि देखो ये माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, प्लस में से ये बड़ी वैल्यू को माइनस करोगे तो फैक्टर छोटा आएगा, तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो किसका आएगा, Al2SO4 की प्राइस का। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स यू हैव टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। मैं आपको फिर कह रहा हूँ पक्का क्वेश्चन आएगा इस पे से, ये यूनिट 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि इसी टाइप का 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है ऐसे ही, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है सोल्व करते हुए। ठीक है, कि भाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो डेल्टा टी है, पूछो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा, सीधा आई पे, तो जिसकी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी डिसोसिएशन के केस में तो उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है तो सबसे बड़ी वैल्यू देखो, लोएस्ट पूछ रहा है तो सबसे कम देखो, वो Al2SO4 थ्राइस आएगा, वो हाईएस्ट वाला जो है वो किसका आएगा, यूरिया का। ठीक है, यहाँ से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग आई, क्वेश्चन सोल्व नहीं करना। जब भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आए पहले देखो, अगर अल्फा बता रखा है ठीक है, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा आई को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई ये अपना टॉपिक था, ये यूनिट यहाँ तक कम्प्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम ना हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, आपको हम एक वीडियो और बना सकते हैं इस पे, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी, आप जब तक इनको पढ़ के सबको रिवाइज करो, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।